ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, बिहार के राज्यपाल कौन हैं? ए केसरी नाथ त्रिपाठी, बी सत्यपाल मलिक सी लालजी टंडन या डी फागू चौहान। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सके। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय घोष के साथ गोसाई गांव में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का पालकी शोभा यात्रा के साथ शांतिपूर्ण विसर्जन। अंग प्रदेश के सुप्रसिद्ध शहर नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाई गांव के श्री कृष्ण मंदिर में गुरुवार की संध्या जय घोष के बीच भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमा का स्थानीय गोसाई गांव गंगा घाट पर विसर्जन किया गया। मौके पर भक्तों द्वारा हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय सहित दर्जनों जय घोष के बीच भगवान की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बताते चलें कि भगवान का जन्मोत्सव पूजा अर्चना प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कोरोना काल में किया गया। वहीं कोरोना काल के कारण जहां इस वर्ष कोई भव्य आयोजन नहीं हुआ, वहीं इस बार मेला का भी आयोजन नहीं किया गया। मंदिर के पुजारी विपिन कुमार झा ने बताया कि कोरोना काल एवं लॉकडाउन के कारण इस वर्ष 2020 में सिर्फ मंदिर के पुजारी एवं पुरोहित द्वारा भगवान की पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा किया गया। बताते चलें कि प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण के दरबार में कई भक्तों द्वारा बांसुरी चढ़ाई जाती है। भक्तों का कहना है कि इस दरबार में जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है भगवान जरूर पूरी कर देते हैं। वहीं इस बार कोरोना महामारी के बीच मेड़ पर भगवान श्री कृष्ण का विशाल भव्य प्रतिमा का निर्माण भी नहीं करवाया गया। मंदिर में एक छोटे आकार का अलग से प्रतिमा बिठाई गई, जिसका विसर्जन पालकी शोभा यात्रा के साथ गुरुवार संध्या गंगा घाट पर किया गया। वहीं विसर्जन में मटका फोड़ने पर गोसाई गांव के युवा रोहित कुमार को 501 रुपए का पुरस्कार दिया गया। भागलपुर स्वतंत्रता दिवस परेड का हुआ रिहर्सल, DM SSP को क्रेडिटों ने दी सलामी। भागलपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन जी जान से जुटी हुई है। वही सैंडिस कंपाउंड में झंडोत्तोलन के लिए बनाए जा रहे मंच भी अब अंतिम चरण में है। परेड ग्राउंड को नगर निगम के द्वारा साफ करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस में होने वाले झंडोत्तोलन के पूर्व गुरुवार को सैंडिस कंपाउंड में रिहर्सल के रूप में झंडोत्तोलन और परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी सह प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त प्रणव कुमार और SSP आशीष भारती को परेड ग्राउंड में क्रेडिटों ने सलामी दिया। तदुपरांत जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने झंडोत्तोलन किया। राष्ट्रगान के दौरान बैंड की आकर्षक धुन हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। सेंडिस कंपाउंड का पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति से गुंजायमान था। SP एवं SDO ने नौगछिया के कंटेनमेंट जोन का किया निरीक्षण।
नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम, एसडीओ मुकेश कुमार एवं एसडीपीओ प्रवीण भारती ने गुरुवार को नौगछिया अनुमंडल में बनाए गए कंटेनमेंट जोन क्षेत्र का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम उन्होंने गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकनपुर में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कंटेनमेंट जोन में प्रतिनियुक्त किए गए 2 दंडाधिकारी मौजूद पाए गए, जबकि बैरिकेटिंग का आधा भाग खुला हुआ था। इस संदर्भ में बताया गया कि रात्रि में खोल दिया गया था। इस संदर्भ में वीडियो गोपालपुर को बैरिकेटिंग दुरुस्त करने एवं कंटेनमेंट जोन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया गया। वहीं प्रचार प्रसार के लिए बैनर नहीं लगाया गया था। इस संदर्भ में प्रचार प्रसार के लिए बैनर लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ढोल बजा कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। इस संदर्भ में दोनों पदाधिकारी का 1 दिन का वेतन स्थगित किया गया है। नवगछिया मास्क चेकिंग अभियान में 71 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई है। जांच अभियान में कुल 71 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 3550 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। इस अभियान में 1 वाहन से 1000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। बनारसी लाल सराफ कॉलेज में अधिकांश छात्रों ने कराया इंटर में नामांकन, 17 अगस्त तक रहेगा जारी। स्थानीय बनारसी लाल सराफ वाणिज्य महाविद्यालय में चल रहे इंटर के नामांकन के दौरान बिहार बोर्ड द्वारा जारी प्रथम सूची के अधिकांश छात्राओं ने अपना नामांकन करा लिया है। उक्त जानकारी विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद नईमुद्दीन के हवाले से महाविद्यालय प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी राजेश कनौडिया ने देते हुए बताया कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी प्रथम सूची में से नामांकन के दौरान कला संकाय में 324 में से 280 और वाणिज्य संकाय में 86 में 78 तथा विज्ञान संकाय में 310 में से 266 छात्रों ने अपना नामांकन करा लिया है। शेष बचे छात्रों का नामांकन 17 अगस्त तक लिया जाएगा। नवगछिया में कोरोना के 21 मामले आए सामने। नवगछिया अनुमंडल में विभिन्न जगहों पर हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट में कुल 21 लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित पाए गए लोगों में रंगरा से 12, गोपालपुर से 7, बीरपुर से 2 और खरीक से 6 हैं। नवगछिया पति की बेगुनाही साबित करने पत्नी आई सामने, मामला संतोष हत्याकांड में हुए विवादित प्राथमिकी की। नवगछिया नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद अभिषेक रमन उर्फ टीएन यादव की पत्नी साक्षी कुमारी ने बिहार के पुलिस उप महानिर्देशक को एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। साक्षी कुमारी का कहना है कि चालक संतोष यादव की हत्या मामले में उसके पति का नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। चालक संतोष उसके परिवार के एक सदस्य जैसा था। साक्षी कुमारी ने कहा कि उन्हें मृतक संतोष के पिता ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर बरामद सामानों को जब्त करने के क्रम में एक जगह हस्ताक्षर लिया था, तो एक समय पुलिस ने 2 सादे कागज पर भी हस्ताक्षर लिया था। साक्षी का कहना है कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर उसके पति को फंसाया जा रहा है। इधर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संतोष यादव हत्याकांड में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार सघन छापेमारी कर रही है। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488856988 9234623333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736 8228956905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। नवगछिया में एक ट्रक से 7477 लीटर शराब बरामद। नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर नवगछिया पुलिस और मद निषेध विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर एक ट्रक पर लोड 7477 लीटर शराब बरामद किया है। पुलिस ने मौके से ही ट्रक चालक त्रिपुरा के धर्मनगर थाने के पश्चिम राघोपुर गांव के निवासी सुप्रियो नाथ और खलासी असम के कामरूप जिले के खेतरी थाना के टूपाटोली गांव के विनोद तेरान है। पुलिस को शराब के इस बड़े खेप
की गुप्त सूचना मिली थी। नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर गठित टीम अलर्ट हो गई। ट्रक को नौगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब रोका गया तो पुलिस ने तलाशी के क्रम में भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। बरामद शराब मैकडुअल नंबर 1 ब्रांड का है। ट्रक पर कुल 2052 कार्टून लोड थे, जिसमें कुल बड़े 35,000 से अधिक बोतलें थी, जिसमें कुल 7,777 लीटर शराब थी। बरामद शराब का मूल्य वर्तमान बाजार में 50 लाख रुपए से अधिक की आंकी जा रही है। नौगछिया के एसडीपीओ प्रबंध भारती ने जानकारी देते हुए बताया, पता चला है कि असम के गुवाहाटी से शराब की डिलीवरी समस्तीपुर और बेगूसराय के बीच में अलग अलग जगहों पर होना था, लेकिन नौगछिया पुलिस ने तस्करों की मंशा को पूरी तरह से विफल कर दिया। नौगछिया पुलिस जिला और एक्साइज स्टूडेंट के नेतृत्व में ज्वाइंट ऑपरेशन दारू के लिए किया गया था। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर नौगछिया ब्लॉक के पास एक ट्रक पकड़ी गई है, जो आसाम का ट्रक है। उस ट्रक को खोलने पर संदिग्ध सामान का स्काउट हुआ, उसको सर्च किया गया। सर्च करने के क्रम में उसमें दारू बरामद हुआ है और लगभग 800 से ज़्यादा पेटी दारू बरामद हुई है। कुल लगभग 7,477 लीटर दारू बरामद हुआ है। अब तक के नौगछिया जिला पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। कहाँ से ये आ रही थी सर? ये आसाम से गाड़ी जो है गुवाहाटी से आ रही थी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी और किशनगंज पूर्णिया होते हुए यहाँ तक पहुँची थी। ये जो ड्राइवर के कथना था, ड्राइवर ने जो बताया कि इसको समस्तीपुर जो बेगूसराय के बाद एक टोल प्लाजा है पचवाड़ा के, वहाँ पर इसको ट्रक ले जाना था। वहाँ पर उसको जो रिसीव करने वाला है वो आदमी बताता कि कहाँ लेके जाना था। इसका कथन था समस्तीपुर ले जाता। कौन कौन कंपनी का सर? ये मैकडावल का है, मैकडावल नंबर 1। इसमें कोई गिरफ्तार भी है? दो आदमी गिरफ्तार हुआ है, एक ड्राइवर एक खलासी गिरफ्तार। नाम सर? ड्राइवर का नाम है सुप्रियो नाथ और खलासी है विनोद तेरान। पुलिस जिला नौगछिया में लगातार छापेमारी हो रही है, शराब बरामदगी हो रही है सर, चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन क्या न कर रही है, किस तरीके से अपराध पर अंकुश लगाने का? प्रशासन लगातार जिला में दो दिन तो फ्राइडे और मंगलवार को लगातार एस ड्राइव रखा जा रहा है। इसके बावजूद नौगछिया जिला पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और डे टू डे सफलता भी मिल रही है। यह ऑपरेशन एक्साइज स्टूडेंट के नेतृत्व में नौगछिया जिला में ज्वाइंट ऑपरेशन के से सफलता मिली। इसकी लगभग लागत कीमत क्या अनुमान लगाया जा रहा है सर? लागत कीमत करना थोड़ा हमारे लिए अभी मुश्किल है। 50 लाख से ऊपर। 50 लाख। कितना पीस होगा सर लीटर? लीटर तो ये 7,477 लीटर है। पीस सर? पीस जो है इसमें 35,616 पीस। कौन? टोटल बोतल का जो पीस है वो 35,616 पीस है। मारपीट में घायल विकास शाह की इलाज के दौरान सिल्लीगुड़ी में गई जान। पिछले दिनों आपसी जमीन संबंधी विवाद में गोपालपुर थाना क्षेत्र के मालपुर में विकास कुमार शाह पिता महेंद्र शाह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे पीएससी गोपालपुर से बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया था, परंतु गंभीर स्थिति के कारण मायागंज अस्पताल से सिल्लीगुड़ी भेजा गया था। वहीं गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान विकास की जान चली गई। परिजनों द्वारा एम्बुलेंस से सबको गोपालपुर थाना लाया गया। गोपालपुर पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेजा। मिली जानकारी के अनुसार आरोपित जितेंद्र शाह व उनके भाइयों पर हत्या का मामला चलेगा। ढोलबज्जा, 18 घंटे बाद कोसी नदी से दूसरे युवक सोनू बरामद हो सका शव। एसडीआरएफ की टीम ने 4 घंटे तक की सोनू के शव की खोजबीन। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान बुधवार को कोशी नदी में डूबे कदवा के दो युवकों में से एक युवक कपिल देव सिंह के पुत्र सोनू कुमार के शव को कोशी नदी से 18 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने खोज निकाला है। गुरुवार को भागलपुर से आए 6 सदस्य एसडीआरएफ टीम के साथ एसआई जिमी लाल राय ने करीब 4 घंटे तक काफी खोजबीन करने के बाद सोनू के शव को पानी से बाहर निकाल लिया है। वहीं ग्रामीण गोताखोर व मछुआरे भी खोजबीन में लगे हुए थे। घटनास्थल पर मणिकांत यादव सहित कई अन्य मौजूद थे।
आई प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCMLA निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680 8225-6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नौगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है नौगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर। सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।